हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार। मैं आपको बताने वाला हूँ एरोडेस पावर मिल के अंदर फुल फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आता है जिसमें लिखा रहता है लेड इन लेड आउट। ये दो ऑप्शन हमारा है जिसमें लिखा हुआ है लेड इन और ले आउट। ये दोनों काम कैसे करता है, फुल फर्स्ट जब हम लोग प्रोग्राम बना लेते हैं तो प्रोग्राम बनाने के बाद कभी कभी हमारे पास टूल को चलाने के लिए कुछ अलग तरीके यूज करना पड़ जाता है, जैसे एक्सटेंड करना या प्रोग्राम होल के सेंटर पे आना। तो हम लोग कैसे करते हैं, तो इसके अंदर हमको वो ऑप्शन मिलता है जिसमें हमारा ऑप्शन रहता है। जैसे ये देखिए, इसमें 10 ऑप्शन दिया गया है कि हम लोग ऑप्शन का यूज करने के लिए। तो अभी ये ऑप्शन हम लोग यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले जिसके लिए हमें दो प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, जिसे मैं एक प्रोग्राम आउटर में और एक होल के अंदर बना के बताऊंगा आपको कि ये दोनों यूज कैसे करते हैं। इसके अंदर वैसे में भी आप देख सकते हैं कि लेड इन और लेड आउट जो दोनों रहता है वो दोनों सिमेट्रिकल ही रहता है। आप लेड इन भी यूज करोगे तो भी आपको लेड आउट में ऑटोमेटिक हो जाता है, और लेड आउट करोगे तो लेड इन में भी दोनों ऑटोमेटिक हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये हमारा आउटर है, अभी आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम हमारा इधर तक बना हुआ है, ये जो हमारा ब्लॉक है इधर तक हमारा प्रोग्राम बना हुआ है। लेकिन हमको क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम एक्सटेंड करना पड़ता है। जैसे कि ये प्रोग्राम हमको क्या करना, ब्लॉक से ज़्यादा प्रोग्राम एक्सटेंड करना पड़ा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये ब्लॉक साइज आप देख सकते हैं कि ब्लॉक साइज कितना है, 225x152, 252, 225x252 का ब्लॉक है। लेकिन मेरे को 252 से ज़्यादा, मेरा ब्लॉक जो आ गया 260, तो इसमें क्या है, मेरा जो प्रोग्राम है वो 252 चल रहा है लेकिन मेरे को 260 चलाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये काउंटेंट जेट का प्रोग्राम है, लेकिन आप ब्लॉक बड़ा करोगे तो आपका प्रोग्राम इधर घूम जाएगा इस साइड की तरफ। मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अभी क्या करना, मेरे को 260 का ब्लॉक चाहिए, मतलब मेरा ब्लॉक जो है 260 का है। तो मैं क्या करता हूँ, ये ब्लॉक बनाया और कैलकुलेट कर दिया प्रोग्राम, तो हमारा प्रोग्राम जो है स्ट्रेट नहीं चल रहा है, वो हल्का सा इधर रेडियस की तरफ घूम जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमको इधर का मेटल जो है वो नहीं काटना है, हमको खाली स्ट्रेट में लेके जाना है। मतलब हमको जो प्रोग्राम है वो हमारा सिर्फ इस साइड स्ट्रेट में लेके जाना है, हमको इस साइड में ऐसा नहीं काटना है, हमको इधर ऐसा नहीं काटना का है, हमको सिर्फ स्ट्रेट लेके जाना है। तो हमारा ब्लॉक बड़ा करने पे ऐसा घूम जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो ब्लॉक है आप 152 ही रखेंगे, आप प्रोग्राम को कैलकुलेट कर देंगे तो आपका 152 बन गया, लेकिन आपको 260 लेके जाना है। तो आप क्या करेंगे, इधर आएंगे टूल पाथ कॉन्फ़िगरेशन में, इधर लेड इन्स में आने के बाद इधर ऑप्शन आता है जो 10 ऑप्शन, लेकिन आप 10 में से 10 ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा देखने में। तो अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट हुआ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, आप हॉरिजॉन्टल का यूज करेंगे पहला है, दूसरा है क्या है, ये आप एक्सटेंडेड मूव का यूज करेंगे दूसरा है, तीसरा आपका जो है पॉकेट का सेंटर, ये तीसरा यूज करेंगे, चौथा जो है, ये जो है चौथा आप सरफेस का यूज कर सकते हैं, सरफेस नॉर्मल का ये आप ये यूज कर सकते हैं। चार, ये चारों आपको यूज में ज्यादा आएगा, वो मैं कैसे यूज करने का है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये हमारा है, इसमें आपको क्या करना है कि आपको कटर को जो है एक्सटेंड करना है, थोड़ा बड़ा एक्सटेंड करना है। तो आप कौन सा यूज करेंगे पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक्सटेंड करना है तो आप एक्सटेंड मूव में जाएंगे और आपको इधर ऑप्शन दिखेगा कि कितना एक्सटेंड करना है, आपका 52 है, आपको एक्सटेंड 60 करना है, तो आप 4 mm इधर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दोनों साइड में इक्वल आएगा, जैसे आप 4 डालेंगे तो आपका 4 डालने पे क्या होगा कि 8 mm हो जाएगा, 4 mm इधर, 4 mm इस साइड भी आ जाएगा और 4 mm इस साइड में भी आ जाएगा, मतलब 8 mm पड़ जाएगा। तो आप 4 डाल देंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, 52 8 60 हो गया। तो आप ये डालने के बाद ऑटोमेटिक आपका लेड इन आउट में भी वो चला जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन देख सकते हैं, ये दोनों के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद अप्लाई लेड इन पे और अप्लाई करना पड़ेगा। जब अप्लाई करेंगे तो ये देख सकते हैं कि आपको एक इधर एक्सटेंड हो गया है प्रोग्राम, इधर भी प्रोग्राम एक्सटेंड हो गया है, इधर भी प्रोग्राम एक्सटेंड हो गया। लेकिन हम लोग डाले किस में, हम लोग डाले हैं सिर्फ लेड इन में, लेकिन आपका प्रोग्राम इसमें भी देखो अपडेट हो गया, इधर इस पे भी जाके देख सकते हैं, तो हम लोग इसमें भी अपडेट हो जा रहा है। मतलब हम लोग इसमें डालेंगे तो इसमें भी ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि हमको इधर दोनों पे सेलेक्ट करके लेड इंस को सेलेक्ट करते हैं, इसके लिए हम लोग इसमें भी आ जाता है। अगर इसमें नहीं आएगा तो क्या होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग प्रोग्राम मतलब ऐसे क्या करते हैं कि ऐसे हम लोग ऐसा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि नहीं आया तो क्या होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें आएंगे और इधर आने के बाद हमको ये 4 डालें, लेकिन हम लोग को ये इसको ऑप्शन को नहीं सेलेक्ट किया, सिर्फ अप्लाई को सेलेक्ट कर लिए। तो देख सकते हैं कि आपको क्या ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा क्रॉस दिख रहा है। अगर हम लोग क्या किए, इसको और इसको साथ में एक साथ में ले लिए, जैसे कि मैं फिर से वापस करके दिखा देता हूँ कि ये दोनों को अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या ऑप्शन आएगा। इसमें जाएंगे, इसको हम लोग डाल देंगे इधर, कुछ भी अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद ये वाले ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट नहीं कर रहे, ये दोनों को हम लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं, लेड इन ले आउट लिखा हुआ है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं।
पेज देख सकते हैं, इसमें लेट इन और ले आउट लिखा हुआ है। इसको हम लोग एक साथ में नहीं ले रहे हैं, और ये दोनों को हम लोग ऑप्शन को क्लिक नहीं करने के बाद डायरेक्टली आपको हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर क्लिक करके और इस पे सेलेक्ट कर दे रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन देख सकते हैं कैसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा एक क्रॉस हो जा रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको और इसको सेलेक्ट करने के बाद और इस पे जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कैसा हो रहा है। तो ये हमारा आपको ये करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सटेंड करना करेगा, तो हम लोग प्रोग्राम ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। अभी अभी दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ जो ये लिखा हुआ है सरफेस का, सरफेस नॉर्मल में। इसमें जाने के बाद ये जाएंगे तो इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, तीन ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन कैसे काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आपको इसमें जाके जो हमारा एक्सटेंड है उसको हमको हटाना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अभी एक्सटेंड हट गया है, अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली जाएंगे सरफेस नॉर्मल में। इसमें जाने के बाद प्रोग्राम में जाएंगे, ये जो पहला ऑप्शन है वो लिखा हुआ है लाइन, मतलब कितना एक्सटेंड करना है, मतलब कि जो मेरा 52 है मेरे को 60 mm तक एक्सटेंड करना है, मतलब मेरे को 4 mm एक्सटेंड करना है। तो मैं इधर लिखूंगा 4। एंगल जो प्रोग्राम है सीधा सीधा स्ट्रेट होएगा, लेकिन मेरे को थोड़ा सा आगे जाने के बाद एंगल में लेने का वो होएगा, आपको दिखेगा इसमें 45 एंगल लेने का है। और रेडियस उसमें कितना लेना है, 5 mm या 10 mm जो रेडियस आपको लेना रहेगा वो ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों को साथ को अप्लाई करेंगे, इधर भी अप्लाई करेंगे, लिंक में अप्लाई। तो आप देख सकते हैं अभी इसमें क्या हो गया, आपका आपका जो प्रोग्राम है वो कैसा दिख रहा है, इधर से स्ट्रेट जा रहा है लेकिन इधर आगे जाने के बाद रेडियस हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि इसमें दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, स्ट्रेट भी मिल रहा है और आगे जाके रेडियस हो रहा है। मतलब आपका जो कभी आपको प्रोग्राम जो है आपको क्या है कि आपको चलाना है डायरेक्टली ऐसा लेने के बाद और बाहर की तरफ लेना है, तो अब आपको क्या करेंगे, सरफेस नॉर्मल करके यूज कर सकते हैं। उस टाइम पे आपको क्या होएगा, ऐसा ऑप्शन मिलेगा, आपको क्या कर सकते हैं, तब उस टाइम आपको दोनों साइड ऑप्शन मिलेगा आपको ऐसा चलाने के लिए कि स्ट्रेट आपको जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ब्लॉक देख रहे हैं आप, आपको मैं क्या करता हूँ ब्लॉक को थोड़ा हाई ज्यादा दिखा देता हूँ। ये ब्लॉक देख सकते हैं कि इधर तक है, मैं इसमें 4 mm एक्सटेंड किया हूँ, तो मैं इधर क्या करता हूँ 8 mm प्लस कर देता हूँ। ये देखिए आपका जहां तक स्ट्रेट है वहां तक कितना हो गया, 4 4 8, तो 8 mm में प्लस किया, 60 mm इधर स्ट्रेट हो गया। उसके आगे आपका रेडियस है, ये 45 एंगल 10 mm तक का रेडियस है, तो आप इधर प्लस कर देंगे 20 mm, तो आपका टोटल आ जाएगा इधर तक। ऐसा ऐसे आप कर सकते हैं, अगर एंगल में करना है तो, अगर डायरेक्टली स्ट्रेट करना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। स्ट्रेट करना रहेगा तो आप स्ट्रेट यूज करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, और अगर आपको हल्का जाके आगे एंगल में लेना पड़ेगा तो आप यूज कर सकते हैं। अभी आते हैं हम लोग होल के अंदर, होल में कैसा यूज करना रहता है, जैसे होल में आपको यूज करना है तो आप कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। होल में क्या है, जैसे कि आपको होल को यूज करना है तो आपको होल में लेफ्ट और राइट दो ऑप्शन दिख रहा होगा, लेफ्ट में यूज करना तो लेफ्ट में, राइट में यूज करना है तो राइट में यूज कर सकते हैं, नहीं तो हॉरिजॉन्टल वाला भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ डायरेक्टली। हॉरिजॉन्टल लेने के बाद लाइन मेरे को नहीं सेलेक्ट करना है क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल में लाइन एक्सटेंड करना ही नहीं है, तो आप लाइन को यूज नहीं करेंगे। एंगल यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो एंगल में आपको अंदर की तरफ एंगल लेना पड़ेगा, तो आप एंगल 45 ले लेंगे। रेडियस आप ले लेना पड़ेगा, रेडियस ले लेंगे 5। फिर क्या करेंगे, दोनों अप्लाई कर लेंगे और लिंक में जाके ऐसा, तो आप देख सकते हैं कि इधर आपको दिख रहा है, इधर आपको इसमें दिख रहा है कि लिंक आपको ऐसा दिख रहा है। मैं आपको ये स्ट्रेट दिखा देता हूँ, ऐसा स्ट्रेट एक जगह पे दिखा देता हूँ, क्या है कि इसमें प्रोग्राम अलग जा रहा है इसके लिए। आप देख रहे हैं आपको दोनों साइड हो गया, तो आपका जो प्रोग्राम रहेगा अभी वो कैसा चलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसमें जाएंगे, इसमें जाने के बाद अब जब प्रोग्राम को छोड़ेंगे तो प्रोग्राम चलने के लिए आएगा, चलने के बाद वो पहले अंदर की तरफ आएगा, ऐसा अंदर की तरफ आएगा फिर से जाएगा, मतलब कि जो आपका इधर जिधर वो प्रोग्राम बार बार कट ले रहा है इधर स्ट्रेट में, इधर स्टेट में जब वो बार बार कट ले रहा है उधर मार्क नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि प्रोग्राम आ रहा है बाहर की तरफ फिर अंदर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे आप अगर करना रहेगा तो आपको ऐसे कर सकते हैं। ऐसा ये आपको कब यूज में आएगा वो भी मैं बता देता हूँ, आपको ये यूज में कब आएगा, जैसे कि आप कभी कभी होल बनाए, होल को रफिंग किए हुए और डायरेक्टली जेड में माइनस जा रहे हैं, माइनस करने के बाद डायरेक्टली फिनिश करेंगे, तब आपको ये यूज में आएगा, जो इधर मार्क लाइन में नहीं आएगा, जिधर भी वो कट लेता है उधर मार्क नहीं आता है जिधर भी। ऐसा अभी आपको इसमें मैं क्या करता हूँ और एक ऑप्शन समझा देता हूँ, जैसे कि ये हो गया, अभी मैं इसमें और एक ऑप्शन दे देता हूँ कि पॉकेट सेंटर। पॉकेट सेंटर का मतलब क्या हो जाता है कि पॉकेट सेंटर में जाने के बाद आपको दोनों सेलेक्ट जब ऑप्शन करेंगे तो आपका जो टूल है वो सेंटर में आएगा। आप देख सकते हैं कि इधर से पूरा ऑप्शन आ गया, ऐसा ये देख सकते हैं कि आपको इधर से पूरा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है सेंटर में, इधर होल का सेंटर हो गया और इधर भी एक लाइन आ गया। तो ऐसे इसमें अभी कैसा चलेगा प्रोग्राम को सिमुलेशन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पहले मॉडल प्रोग्राम आएगा सेंटर पर, फिर आपके आउटर में जो प्रोफाइल है होल का वो चलेगा, फिर से सेंटर में आएगा, फिर से अंदर की तरफ जाएगा, फिर से ऐसा चलेगा, जिसमें आपका
इसमें क्या है कि आपको इसमें भी आप ऐसा चला सकते हैं, जब आपको होल के अंदर जाके डायरेक्टली प्रोग्राम चलाना रहेगा तो इसमें भी चला सकते हैं, तो इसमें भी मार्क आने का चांस कम है, ऐसा मार्क आता नहीं है। तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि अब इसमें देखिए ऑप्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ ऑप्शन सेम काम करता है, कुछ अलग अलग भी काम करते हैं, लेकिन ज्यादा ज्यादा ऑप्शन ये यूज में आता है। इसके लिए मैं आपको ये ऑप्शन बता दिया क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसके लिए। तो ये ऑप्शन ज्यादा है, इसमें आपको लेट और लिन, लेट इन और लेट आउट दोनों समझ में आ गया रहेगा कि प्रोग्राम लोग एक्सटेंड कैसे करते हैं और ये इसको यूज कैसे करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, अगर नए रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आपको किसी भी वीडियो पे किसी में आपको डाउट है तो कमेंट जरूर करेंगे, अगर कुछ आपका उसमें रहेगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना के आपको दे दूंगा।